व्हाट्स अप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, मतलब डेसिमल्स के बीच में कंपैरिजन पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, इसके पीछे वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 का कंप्लीट कर लिया था। अब देखेंगे कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। दूसरी स्लाइड में देखते हैं क्या है। देखिए, कैन यू टेल, ये वाला जो है ये पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, कंपेयरिंग डेसिमल्स। कैन यू टेल विच इज ग्रेटर, 0.07 और 0.1। टेक टू पीस ऑफ स्क्वायर पेपर ऑफ सेम साइज। दो पीस लेना है स्क्वायर पेपर का, ये जैसे कि स्क्वायर हो गया, एक पीस ये ले लिया और एक वन पीस ये ले लिया। अब क्या करना है, डिवाइड दैम इन टू 100 इक्वल पार्ट्स। इसको भी 100 इक्वल पार्ट्स में बांटना है और ये भी 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। 0.07, इसके लिए वी हैव टू सेट 7 पार्ट्स ऑफ 100। मतलब इसमें से 7 पार्ट को सेट करना है 0.07 के लिए, क्योंकि यहाँ पे 7 है ना, 100th प्लेस पे। 100th प्लेस पे क्या है, 7 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पार्ट को इसने सेट किया। तो इसको कैसे लेंगे, 0.07 को कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया अभी था। इस डेसिमल के लिए 1 लिखा, डेसिमल के बाद कितना जीरो डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट, तो 7/100 हो गया। ठीक, उसी प्रकार इसमें भी 100 स्क्वायर्स है और 100 स्क्वायर में हर एक में, इसके देखिए 0.01 के लिए क्या है, 10, इसमें 4 0.1 के लिए क्या करेंगे, सेट 10 पार्ट्स आउट ऑफ 100। 100 में से 10 पार्ट्स, जैसे कि 0.1 को आप कैसे लिखते हैं, 0.1 को आप लिखेंगे, ये लिखेंगे 1/10। अब देखिए, इसके डिनोमेटर में 100 है तो इसके डिनोमेटर में 100 करना पड़ेगा हमें, तो 10 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10/100 हो गया। अब देखिए, ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब कंपेयर करना आराम रहेगा ना, क्योंकि कंपैरिजन नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखिए, 10/100 हो गया, तो 10 को सेट करेंगे। तो इससे कि आपको क्या पता चलता है, जब तक आप डेसिमल्स के फ्रैक्शन में बदलिएगा, फ्रैक्शन में बदलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि तब कंपेयर कीजिएगा। अब देखिए, इसका सीट पर कितने हुए, 10 हो गए और इसमें सीट पर 7 है, तो कौन सा बड़ा हो गया, इसका मतलब कि 0.1 ग्रेटर देन 0.07। ठीक है, समझ गए। चलिए और देखते हैं। अब देखिए, अब बोल रहा है, दिस मीन्स 0.1 इज ग्रेटर देन 0.7, मतलब 0.1 जो है वो 0.007 से बड़ा है। लेट अस नाउ कंपेयर द नंबर 32.55 एंड 32.5। इन दिस केस वी फर्स्ट कंपेयर द होल पार्ट। इस देखिए, अभी इसमें क्या है कि इसमें तो होल पार्ट था ही नहीं, क्योंकि इसके भी होल पार्ट जीरो है और इसका भी होल पार्ट जीरो है। तो इसके लिए हमें कंपेयर करना क्या था, बस उसको फ्रैक्शन में चेंज कर देना था। अब लेकिन क्या है, 32 है होल पार्ट, इसमें 32 है होल पार्ट। तो वी फर्स्ट कंपेयर द होल पार्ट, वी सी दैट द होल पार्ट ऑफ द बोथ आर इक्वल इज 32 एंड हैज। इसके में देखते हैं कि हम लोग, इसका भी होल पार्ट 32 है, इसका भी होल पार्ट 32 है, तो क्या होगा कि ये दोनों होल पार्ट दोनों के इक्वल है। उसके लिए फिर आगे चलेंगे, वी हाउ एवर नोट दैट द टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, सो वी नाउ कंपेयर द 10th पार्ट। अब देखिए, अब क्या है कि इसका दोनों इक्वल हो गया था, अब आगे क्या करेंगे, 10th पार्ट को कंपेयर करेंगे। इसके 10th पार्ट में देखिए क्या है, 5 है और इसके भी 10th पार्ट में क्या है, 5 है। तो क्या हुआ, वी फाइंड दैट फोर 32.55 एंड 32.5 द 10th पार्ट इज ऑल्सो इक्वल। इसके भी 10th पार्ट में क्या है, देखिए डेसिमल के जस्ट बगल वाला क्या होता है, उसको 10th पार्ट बोलते हैं। डेसिमल के जस्ट बगल वाला क्या है, 5 है, ये भी 10th पार्ट है, दोनों में 5 है। तो क्या हुआ, देन वी कंपेयर द 100th पार्ट। अब उसके बाद क्या, दोनों इक्वल आ गया, तो अब इस कंपेयर करेंगे 100th पार्ट को। इसके 100th पार्ट में क्या है, 100th पार्ट में इसमें 5 है और इसके 100th पार्ट में क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कि 0 है। तो कौन सा बड़ा होगा, 5 ज़्यादा बड़ा होगा 0 से, तो 32.55 इज ग्रेटर देन 32.5। ठीक, समझ गए। एक एक चीज़ कंपेयर करेंगे, पहले क्या करेंगे, कंपेयर होल नंबर को कंपेयर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 10th पार्ट को कंपेयर करेंगे, 10th पार्ट भी इक्वल मिल गया, उसके बाद 100th पार्ट को कंपेयर करेंगे, 100th पार्ट भी, जिसमें 100 पार्ट 5 है, इसका 100 पार्ट कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है, समझ गए आप। चलिए दूसरे स्लाइड्स को देखते हैं, 3 नंबर स्लाइड्स को। वी फाइंड, देखिए समझाया, इसमें 32.55 इज इक्वल टू 32 प्लस 5/10 प्लस 5/100 एंड 32.5 इज इक्वल टू 32 प्लस 5/10, उसको तोड़ा है इसने, प्लस देयर फोर 32.55 इज इक्वल टू 32.5 एज द 100th पार्ट ऑफ 32 इज मोर विच इज ग्रेटर। अब देखिए, वो समझा दिया ना आपको, 32.55 ज़्यादा बड़ा है। एग्जाम्पल, विच इज ग्रेटर,
वन और 0.99। देखिए वंस प्लेस पे क्या है इसका, देखिए होल नंबर कंपेयर करेंगे पहले, इसका होल पे क्या है वन है, इसके होल में जीरो है, तो ज़्यादा बड़ा कौन हो जाएगा, सिंपली से बात है जी, वन ज़्यादा बड़ा होगा 0.09 से। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 1.09 और है 1.093, पहले होल कंपेयर करेंगे, इसके भी होल में वन है, इसके भी होल पार्ट में वन है, दोनों इक्वल है। अब क्या करेंगे, टेंथ प्लेस को करेंगे, इसके टेंथ प्लेस में क्या है जीरो है और इसके टेंथ प्लेस में भी जीरो है, ये भी इक्वल हो गया। उसके बाद क्या कंपेयर करेंगे हंड्रेड पाथ को, हंड्रेड पार्ट में क्या है ये इस नाइन है, इसका भी नाइन है। अब क्या करेंगे थाउजेंड पार्ट को करेंगे, थाउजेंड पार्ट में इसके बारे में कुछ नहीं तो जीरो ले लेंगे, इसके थाउजेंड पार्ट में जीरो है और इसके थाउजेंड पार्ट में क्या है थ्री है, तो ज़्यादा जीरो बड़ा है कि थ्री बड़ा है, थ्री बड़ा, तो कौन सा ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला ज़्यादा हो जाएगा, वन डेसिमल 093 इज ग्रेटर देन वन डेसिमल 09। ठीक है, समझ गए आप कैसे कंपेयर करना है, पहले होल पार्ट को करेंगे फिर टेंथ पार्ट को कंपेयर करेंगे, अगर बराबर होगा टेंथ पार्ट तो फिर हंड्रेड पाथ में जाएंगे, हंड्रेड पाथ भी बराबर हो गया तो थाउजेंड पार्ट में जाएंगे। ठीक है, समझ गए आप, चलिए ये लेंथी टाइप का समझाया हुआ है लेकिन आप समझिए कैसे है बनाया गया है इसको। देखिए होल पार्ट यहाँ लिखा है वन, अब पहले पढ़ लिए हैं, देखिए टेंथ पार्ट में क्या है जीरो है तो जीरो बाई टेन लिखा है, नाइन टेंथ हंड्रेड पार्ट में क्या है नाइन बाई, तो नाइन बाई हंड्रेड लिखा, और थाउजेंड पार्ट में कुछ नहीं तो जीरो बाई थाउजेंड लिख दिया इसको। उसी प्रकार होल पार्ट में क्या है वन है तो वन लिख दिया है, टेंथ पार्ट में जीरो है तो जीरो बाई टेन लिख दिया है, हंड्रेड प्लेस पे क्या है नाइन बाई नाइन है तो नाइन बाई हंड्रेड लिख दिया, थाउजेंड प्लेस में क्या है थ्री बाई हंड्रेड। इन दिस केस द टू नंबर हैव सेम पार्ट्स अप टू हंड्रेड, मतलब कि दो नंबर सेम पार्ट में जीरो बाई जीरो नाइन और जीरो नाइन दोनों से पार्ट है हंड्रेड पार्ट तक, लेकिन क्या है बट द थाउजेंड थाउजेंड्स पार्ट, थाउजेंड पार्ट इसमें जीरो है, इसमें थाउजेंड पार्ट थ्री है, तो इसीलिए जीरो वन रेसी 1.093 इज ग्रेटर देन 1.09, देयरफॉर 1.093 इज ग्रेटर देन 1.09। चलिए कंपैरिजन, अब हम कंपैरिजन ऑफ डेसिमल हमने पढ़ लिया, सबसे इजी वे में मैं आपको बताया था क्या करेंगे, पहले होल पार्ट को देखेंगे, होल पार्ट तीनों सेम है ठीक है, अब क्या देखेंगे सॉरी ये वाला नहीं था, होल पार्ट दोनों सेम है, इसका वन है इसमें भी वन है, फिर हम टेंथ पार्ट को देखेंगे इसका भी जीरो है इसका भी जीरो है, फिर हंड्रेड पार्ट को देखेंगे इसका नाइन है इसका नाइन है, इसका थाउजेंड पार्ट कुछ नहीं है तो मतलब जीरो है, इसमें थाउजेंड पार्ट थ्री है तो थ्री ज़्यादा है जीरो से, तो ये वाला नंबर क्या हो गया ज़्यादा हो गया। ठीक, समझ गए आप। चलिए अब एक्सरसाइज 8.3 जो है हम लोग आगे के लेक्चर में एक ही बार में इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए विच इज़ ग्रेटर, चलिए बना ही लेते हैं इसमें। चलिए बोल रहा है, देखिए आप बस समझिएगा बात को, इसका विच इज़ ग्रेटर, इसका होल पार्ट में क्या है जीरो है, इसके भी होल पार्ट में जीरो है, अब देखिए इक्वल हो गया, टेंथ पार्ट देखेंगे, इसका टेंथ पार्ट में थ्री है, इसका टेंथ पार्ट में फोर है, तो थ्री बड़ा है कि फोर बड़ा है, फोर बड़ा है, तो 0.3 इज़ लेस देन 0.4, 0.4 है वह इसका आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है 0.07, देखिए इसका होल पार्ट जीरो है, इसका भी होल पार्ट जीरो है, टेंथ पार्ट में क्या है जीरो है, टेंथ पार्ट इसका भी जीरो है, हंड्रेड पार्ट में सेवन है और इसके में टू है, तो कौन ज़्यादा होगा, हंड्रेड पार्ट में सेवन ज़्यादा है तो 0.07 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, चलिए तीन नंबर क्वेश्चन है 3 और 0.8, देखिए इसके होल पार्ट में थ्री है, इसके होल पार्ट में जीरो है, तो थ्री को यहीं पर मिल गया तो थ्री ज़्यादा है तो थ्री इसका आंसर हो जाएगा। डी नंबर देखते हैं, डी नंबर में 0.5 और 0.05, इसका होल पार्ट जीरो है, इसका भी होल पार्ट जीरो है, टेंथ पार्ट में इसका फाइव है, टेंथ पार्ट में इसका जीरो है, तो कौन ज़्यादा है, टेंथ पार्ट में इसका फाइव है तो 0.5 ज़्यादा हो जाएगा। सीक्वेंस से आपको चलना है, ठीक है, सबसे पहले होल पार्ट देखिएगा, फिर टेंथ पार्ट देखिएगा, फिर हंड्रेड पार्ट देखिएगा, फिर जाकर थाउजेंड पार्ट देखिएगा। ई नंबर देखते हैं, वन होल पार्ट में है, इसका भी वन है, टेंथ पार्ट में टू है, इसका भी टेंथ पार्ट में टू है, हंड्रेड पार्ट में थ्री है, यहाँ हंड्रेड पार्ट में कुछ नहीं है तो मतलब जीरो है, तो थ्री ज़्यादा है ना जीरो से, तो 1.23 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, देखते के साथ आपको पता चलना चाहिए, देखिए इसके होल पार्ट में जीरो है, इसके भी होल पार्ट में जीरो है, टेंथ में क्या है, टेंथ प्लेस पे जीरो है, इसके टेंथ प्लेस में वन है, तो कौन ज़्यादा होगा, वन ज़्यादा होगा, 0.19। सीक्वेंस से देखना है, पहले आपको होल पार्ट देखना है, फिर टेंथ पार्ट देखना है, फिर हंड्रेड पार्ट देखना है, फिर थाउजेंड पार्ट देना है, इक्वल होता तब आगे बढ़ते जाना है। देखिए इसमें देखिए इसका भी होल पार्ट वन है, इसका भी होल पार्ट वन है, इक्वल हो गया, आगे बढ़ते हैं, इसका टेंथ पार्ट फाइव है, इसका भी टेंथ पार्ट फाइव है। ठीक है,
इसका 100.0 है, इसका भी 100.0 है, तो दोनों किसी के बराबर नहीं है, क्योंकि नहीं लिखा होता समझा 0 मानेंगे, तो दोनों इक्वल है, इसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है। 155 और 1550 देखिए कैसे होते हैं, इसको बताता हूँ। देखिए 1.5 है, इसको हम फ्रैक्शन में करेंगे तो डेसिमल के 1 लिखा, और इसके डेसिमल के लिए कितने अंक है, एक अंक है, तो 10 लिख दिया। उसी प्रकार 1.50 है तो डेसिमल के लिए 1 लिखा, डेसिमल के बाद कितना अंक है, 2 अंक, डेसिमल के लिए 1 लिख दिया। उसके बाद कितने डिजिट है, 1 और 2, 2 डिजिट है, तो 10 से 10 खत्म हो गया। तो 15/10 इधर भी है, 15/10 इधर भी, दोनों इक्वल हो गया। एच नंबर देखते हैं, इसका होल पार्ट 1 है, इसमें भी होल पार्ट 1 है, 1 प्लेस पे, 10th प्लेस पे 4 है, इसका भी 10th प्लेस पे 4 है, इसमें 100 प्लेस पे 3 है, इसके 100 प्लेस पे 9 है, तो कौन ज़्यादा हो गया, 9 ज़्यादा हो गया, तो 4.49 इज ग्रेटर। अब देखिए आई जी एच आई में क्या होगा, 3.3 और 3.300। अब देखिए होल पार्ट में 3 है, इसमें भी होल पार्ट में 3 है, 10th पार्ट में 3 है, 10th पार्ट में 3 है, इसके 100 पार्ट में 0 है, इस कुछ नहीं है मतलब 0 बनते हैं ना, इसके भी 100 पार्ट पर 0 है, 1000 पार्ट पर भी 0 होगा क्योंकि कुछ नहीं है, इस कंपेयर करना है तो इसके भी 1000 पार्ट पर 0 है। तब देखिए 3.3 को फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो डेसिमल की जगह पे 1 रखा, डेसिमल का कितने अंक है, 1 डिजिट है, 10, तो 3/10 आ गया। वैसे ही 3 और 00 है, ठीक है, यहाँ डेसिमल है, तो इसके लिए हो गया 1, और कितने डिजिट है डेसिमल के बाद, 3 डिजिट है, 1, 2, 3, तो 3 डिजिट कर दिया, तो 2 0 से 2 0 खत्म। 33/10 भी है, 33/10 है, तो मतलब कि दोनों इक्वल है, हाई नंबर भी दोनों इक्वल हो गए। अब जे नंबर देखते हैं, 5.64 है, 5.64 एंड 5.603, होल पार्ट में 5 है, इधर भी 5 है, 10th पार्ट में 6 है, 6 है, ठीक है, 100th पार्ट में 4 है, लेकिन 100th पार्ट में यहाँ 0 आ गया, तो 4 ज़्यादा होगा 0 से, तो 5.64 इज ग्रेटर, ठीक है, समझ गए। एक्सरसाइज 8.3 हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं मेक 5 एग्जांपल एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम, ऐसे ही 5 एग्जांपल आपको देने हैं और उसमें से आपको क्या करने हैं, देखने हैं कैसे, जैसे मान लो कि 1.23 1.43 में कौन बड़ा होगा। देखिए इसके होल में इसके भी होल सेम है, इसके 10th में 2 है, इसके 10th पार्ट में क्या है, 4 है, तो ये वाला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 0.54, इसमें 0.53, होल पार्ट 0 इक्वल है, ठीक है, 10th पार्ट में इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, 100th पार्ट में इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा 4। दो एग्जांपल हो गया, लिख लीजिएगा आप लोग। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, 9.242, और देखते हैं 8.242। अब देखिए होल पार्ट को मिलाएंगे पहले, इसमें 9 है, इसमें 8 है, तो 9 बड़ा होगा, तो ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला डेसिमल बड़ा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तीन एग्जांपल हो गए, चौथा एग्जांपल देखते हैं, 0.942 और 0.872, ये होल पार्ट दोनों सेम है, 10th पार्ट में 9 है, 10th पार्ट में 8 है, तो ज़्यादा कौन हो जाएगा, 9 ज़्यादा है 8 से, तो 0.942 इज ग्रेटर देन 0.872। ये चार एग्जांपल हो गए। पांचवा एग्जांपल ले लेते हैं, 9.272 और 9.273। अब देखिए होल पार्ट दोनों सेम है, ठीक है, 10th पार्ट में 2 है, इसमें भी 2 है, 100th पार्ट में 7 है, इसमें भी 7 है, और 1000th पार्ट में 3 है, 2 है, और इसमें 3 है, तो कौन ज़्यादा होगा, 3 ज़्यादा है ना 2 से 1000th पार्ट में, तो ये वाला ज़्यादा हो गया, 9.273, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए ये दो नंबर भी क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.3 भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, यूजिंग डेसिमल, अब डेसिमल के कहाँ कहाँ यूज होता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमें बहुत अच्छा होगा फिर से समझाने में। चलिए थैंक यू।